आपको याद होगा हाल ही में अमेरिका ने कहा था कि मैं 30 दिनों के लिए नरक बना दूंगा चाइना के लिए, और उसके जवाब में अब चाइना ने 24 घंटों क्या ऑर्डर दे दिया है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ मोदी जी चाइना से डरते नहीं हैं, ये कहना है ताइवान के मंत्री का। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया पर कब्जा करने की चीन की नीति उसे इस संसार के लिए विनाशक बना रही है। अब चीन के मिलिट्री एक्सपर्ट ने कहा है कि पीएलए की युद्ध पोतों की निर्माण की क्षमता उसे भारी रणनीतिक बढ़त देने वाली है। रिपोर्ट्स में कहा गया है चीन लगातार युद्ध पोतों और जहाजों का निर्माण कर रहा है ताकि वो दुनिया के हर कोने में एक साथ युद्ध लड़ सके, चाहे कितना भी विनाश क्यों न हो, उसकी एक ही ख्वाहिश है चीन इस दुनिया का सम्राट बने, जैसे चीनी इतिहासकारों ने चीन को लेकर किताबों में कहा है। चीन इसलिए भी काफी तेजी से सैन्य सामानों का निर्माण कर रहा है क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने उसके खिलाफ हेलस्केप स्ट्रेटजी अपनाई थी, यानी नरक के समान नजारा वाली नीति, और चीन की कोशिश अब दुनिया में सबसे ज्यादा युद्ध पोतों के निर्माण की है और इसके लिए उसने अपने कारखाने पूरी क्षमता के साथ खोल दिए हैं। थिंक टैंक रैंड कॉरपोरेशन के ताइवान इनिशिएटिव के डायरेक्टर रेमंड कुओ ने कहा है कि जापान और दक्षिण कोरिया के साथ साथ चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा जहाज निर्माण उद्योग है और वो अमेरिका की तुलना में काफी तेज रफ्तार से जहाजों का उत्पादन कर सकता है। उन्होंने कहा कि जबकि अमेरिकी जहाज ज्यादा जटिल होते हैं, उनका विस्थापन ज्यादा होता है, लेकिन चीन की अपेक्षाकृत तेजी से नौसैनिक जहाज बनाने की क्षमता का मतलब है अमेरिका की तुलना में किसी भी युद्ध नुकसान की भरपाई ज्यादा तेजी से कर सकता है। आज की तारीख में चीन किसी भी देश को शांति के साथ विकास करने नहीं दे सकता है, खासकर भारत जैसे देशों को जिसने विकास को अपना लक्ष्य बनाया हुआ है, और अगर भारत अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है तो फिर चीन के लिए अपना प्रभुत्व बनाना संभव नहीं हो पाएगा। रेमंड कुओ ने कहा कि चीन के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अगर ताइवान संघर्ष छिड़ता है या फिर फिलीपींस के साथ युद्ध होता है तो ये तमाम समुद्री इलाके उसके करीब हैं। मई महीने के अंत में पेरिस स्थित नेवल न्यूज ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर विश्लेषण किया है कि चीन ने हाल ही में टाइप 055 विध्वंसक, जो कि उसका सबसे एडवांस और प्रमुख युद्धपोत है, उसे लॉन्च किया है। चीन ने ये जहाज अपने डालियान शिप बिल्डिंग में बनाया है। चीन के पास अब कुल मिलाकर 10 टाइप 055 विध्वंसक युद्धपोत हो गए हैं। पहला टाइप 055 विध्वंसक युद्धपोत को 2020 में चालू किया गया था और 8 विध्वंसक जहाज का पहला बैच पहले ही सेवा में आ गया है। दूसरे बैच का निर्माण काफी तेजी से चल रहा है। कहा जा रहा है कि 9वें जहाज को पिछले साल और 10वें जहाज को इस साल कमीशन कर दिया गया है। नेवल न्यूज ने अपने रिपोर्ट में यह दावा किया है कि डालियान शिप बिल्डिंग ने 5 टाइप 052 डिस्ट्रॉयर को भी कमीशन किया है, जिन्हें ड्राई डॉक में रखा गया है। इसी डॉक में चीन ने अपने पहले एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग का आधुनिकीकरण किया था। इस महीने की शुरुआत में सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की एक रिपोर्ट में कहा गया कि चीन का विशाल जहाज निर्माण उद्योग कुछ हफ्तों से ज्यादा समय तक चलने वाले युद्ध में उसे रणनीतिक लाभ प्रदान करेगा, यानी युद्ध के दौरान चीन लगातार युद्ध पोतों का निर्माण कर सकता है जो उसे दुश्मनों के खिलाफ भारी लाभ देगा। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए युद्ध के दौरान चीन का कोई युद्ध पोत क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वो उन युद्ध पोतों को फौरन बदल सकता है, काफी तेजी से मरम्मत कर सकता है और उन युद्ध पोतों की जगह नए युद्ध पोत युद्ध में भेज सकता है, लेकिन अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है भले ही वो सुपर पावर हो। रिपोर्ट में कहा गया कि युद्ध की स्थिति में अगर अमेरिका का कोई युद्ध पोत क्षतिग्रस्त होता है तो उसे बदलने में चीन की तुलना में उसे काफी ज्यादा वक्त लगेगा। यहाँ वो चीन से पीछे हो सकता है और शायद यही वजह है कि चीन को काउंटर करने के लिए ताइवान पर हमले की स्थिति में उसे बचाने के लिए अमेरिका ने ताइवान स्ट्रेट में नरक नीति अपनाई है, जिसकी पुष्टि ताइवान स्ट्रेट में एडमिरल सैमुअल पापारो ने की। इसके तहत अमेरिका अपने अत्याधुनिक ड्रोन मिसाइलों को विकसित करने की रणनीति पर काम कर रहा है, यानी अमेरिका ड्रोन हमलों से चीन के जहाजों को रोकने की कोशिश करेगा। चीन ने साफ शब्दों में कह रखा है कि ताइवान पर कब्जा करने के लिए वो अब बल प्रयोग भी कर सकता है। यूएस इंडो पैसिफिक कमांडर पापारो ने कहा था कि युद्ध की स्थिति में उसे समय हासिल हो और ताइवान की रक्षा
अच्छा हो सके, इसके लिए वो चीनी बेड़े पर घातक ड्रोन हमले करने की योजना बना रहे हैं ताकि चीन की सेना को विचलित किया जा सकते। और चीन इस बात को जानता है, इसलिए अपनी नेवल क्षमता का तेजी से विस्तार भी कर रहा है। अमेरिका की रणनीति को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट को काफी शक है। सिंगापुर में एस रजारत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के सीनियर फेलो कोलिन कोह का मानना है कि वॉशिंगटन को इस रणनीति को लागू करने में बहुत काम करना होगा, जिसमें सैन्य भंडार बढ़ाना, भारी संख्या में ड्रोनों का उत्पादन करना होगा। उन्होंने कहा कि आपको भूलना नहीं चाहिए कि अगर आपको ताइवान को बचाना है तो फिर चीन की क्षमता को आपको बेअसर करना होगा। खैर, अब जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग ते के बधाई संदेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया को लेकर बौखलाए चीन के खिलाफ ताइवान अड़ गया है। और अब ताइवान की ओर से कहा जा रहा है कि मोदी जी डरने वाले नहीं हैं। ताइवान ने कहा कि न तो पीएम मोदी और न ही राष्ट्रपति लाई बीजिंग से डरेंगे। ताइवान ने अपने राष्ट्रपति और पीएम मोदी के बीच सौहार्दपूर्ण आदान प्रदान पर जोरदार बचाव किया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब नरेंद्र मोदी के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ताइवान के राष्ट्रपति ने उन्हें बधाई संदेश भेजा था, जिसके जवाब में पीएम मोदी ने उन्हें थैंक यू कहा था। लेकिन चीन का कहना है कि ताइवान चीन का हिस्सा है, उसके नेताओं को वो अलगाववादी मानता है, इसलिए ताइवान और भारत के नेताओं के बीच हुई बातचीत को लेकर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया देने की कोशिश की थी। ताइवान के उप विदेश मंत्री टी एन चुंग क्वांग ने कहा है कि नए राष्ट्रपति लाई चिंग ते ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। मुझे लगता है कि मोदी जी ने भी जवाब देने के लिए उस मंच का इस्तेमाल किया। एक दूसरे को बधाई देना बहुत आम बात है, दूसरे लोगों को इस बारे में कुछ नहीं कहना है, मुझे समझ में नहीं आता है। दो नेताओं द्वारा एक दूसरे को बधाई देने के बीच ये बहुत ही अनुचित हस्तक्षेप है। किसी का नाम लिए बगैर टीएन ने कहा कि कुछ शासन वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। उन्होंने कहा कि अगर आप सभी बड़ी सर्वेक्षण कंपनियों की जांच करेंगे तो आप पाएंगे उस देश की छवि 50% तक तेजी से गिर रही है। लेकिन मुझे यकीन है कि मोदी जी और हमारे राष्ट्रपति उस प्रतिक्रिया से भयभीत नहीं होंगे। ये विवाद तब शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी ने ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग ते के चुनाव में जीत पर बधाई संदेश का जवाब दिया। लाई ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी चुनावी जीत पर मेरी हार्दिक बधाई। हम तेजी से बढ़ती ताइवान भारत साझेदारी को बढ़ाने, टेक्नोलॉजी और अन्य क्षेत्रों में अपने सहयोग का विस्तार करने, इंडो पैसिफिक में शांति और समृद्धि में योगदान देने के लिए तत्पर हैं। इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपके गर्मजोशी भरे संदेश के लिए धन्यवाद। मैं पारस्परिक रूप से लाभकारी और आर्थिक टेक्निकल साझेदारी की दिशा में काम करते हुए घनिष्ठ संबंधों की आशा करता हूँ। हालांकि इसी समय चाइना ने अपना रिएक्शन भी दिखा दिया था और चाइना ने भारत को कहा था कि आप हमारी वन चाइना पॉलिसी का सम्मान करिए। पर यहाँ पर चाइना एक चीज भूल गया कि वन चाइना पॉलिसी एक तरफ, दूसरी तरफ ये भी है कि ताइवान और भारत के बीच में कई व्यापारिक संबंध हैं और व्यापार होता है। ऐसे में जब व्यापार होता है तो सीधे से ना कर देना अनुचित है। अगर किसी ने बधाई दिया है तो बधाई का जवाब मिलना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।